स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे। जब आपका कोई गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होता है तो आपको बहुत खुशी मिलती है। वही खुशी हमें मिली है। रेलवे में मुझे पॉइंट्समैन का पद मिला है जो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, और मैंने SSC GD का 2 बार रिटर्न एग्ज़ाम पास किया है। पहली बार जब मैंने SSC GD का रिटर्न एग्ज़ाम 2022 में पास जब किया था तो इतनी खुशी हुई थी, इतना आत्मविश्वास बढ़ा था कि मतलब कि मेहनत जारी करके हम कोई भी मतलब पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। तो वही पहला रिजल्ट था 2022 में SSC GD का, उसी से आगे बढ़ने की तमन्ना हुई और बहुत सारे असफलताओं का सामना करना पड़ा। और साल 2023 में जो SSC GD का पुनः रिजल्ट आया है, इसमें भी मेरा रिटर्न एग्ज़ाम पास है। तो बात करें रेलवे की, रेलवे का जो फॉर्म भराया था ग्रुप डी का, 2019 में फॉर्म भराया था, 2019 में फॉर्म भराया, 2022 में एग्ज़ाम हुआ और 2023 में रिजल्ट हुआ। रिजल्ट के बाद सबसे पहले जब रिजल्ट होता है तो उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि रनिंग होता है। रनिंग के बाद उसी में, या तो रनिंग से पहले आपको 35 kg का वजन उठा के 100 मीटर लेके जाना पड़ता है और 1 किलोमीटर रनिंग करना पड़ता है 4 मिनट 15 सेकंड के अंतर्गत। तो उसको पास जब किए, उसको पास करने के बाद एक और कट ऑफ जारी हुआ, उसमें भी पास किए। उसमें पास करने के बाद जो है मुझे DV और मेडिकल के लिए बुलाया गया। DV और मेडिकल के लिए जब बुलाया गया तो वहाँ भी गए, तो उसके बाद कुछ समय के बाद पैनल जारी हुआ। पैनल में मेरा नाम देखे जब, तो पॉइंट्समैन के पद पर मिला मेरा रोल नंबर। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खुशी की बात है। एक बहुत ही लंबा जर्नी रहा है, और कंपटीशन के क्षेत्र में हम 2018 में इंटर किए थे। 2018 में जब शुरुआत किए थे तो 2018 में मुझे याद है कि रेलवे ग्रुप डी का भी वैकेंसी आया हुआ था। 2018 में जब उसका एग्ज़ाम दिए थे तो उस समय मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब एग्ज़ाम ही पास नहीं कर पाया। RPF का भी एग्ज़ाम हुआ था रेलवे के द्वारा, उसमें भी पास नहीं किए थे। और इसी दरमियान जो है ना, बिहार पुलिस का भी 2 बार एग्ज़ाम दिए, UP पुलिस का भी एग्ज़ाम दिए। तो सब में असफलता मिलते मिलते जो है ना, मतलब कि हार गए थे कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और जब सेट मारने बैठते थे ना तो बहुत सारे लड़के ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा नंबर आता था, लगता था कि हम तो कोई कोई कामे के नहीं है, मेरा क्या रिजल्ट बनेगा, ऐसा मतलब होता था बहुत ज़्यादा। लेकिन लगातार प्रयास करते रहे, और मेरे अंदर एक खासियत ये था कि कोई भी चीज़ को जो है ना बहुत ज़्यादा बार पढ़ते थे। जैसे कि मैथ ही पढ़ते थे तो मैथ एक दो बार नहीं पढ़ते थे, सर का जो नोट्स है बहुत बार बनाया, बना बना के उसको जो है ना ये खा लिए थे, मतलब उसको ऐसा यादें कर लिए थे ताकि जो है कटियो तक कोई दिक्कत ना हो। और बुक की बात कीजिएगा, रेलवे का स्पेशल बुक जो है हम पढ़ते थे, यूथ कंपटीशन टाइम्स का एक बुक आता है जिसमें 2018 का टोटल ग्रुप डी का दिया हुआ था क्वेश्चन, और भी RPF वगैरह का भी दिया था, NTPC का भी शायद कुछ क्वेश्चन था। तो वो सब क्वेश्चन जो है ना बहुत बनाते थे ना। लड़का सब कहता था कि रे एक ही चीज़ बना रहा है तुम, 6 बार 7 बार बना लिया रे, एक ही चीज़ खाली यूथ ही यूथ करो तुम। और उसके बाद जो है एक एक किताब को पकड़ के रखते थे। हम जानते थे कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक एक किताब बढ़िया से एकदम कर लें। और बात करें मैथ में जो है ना, लुसेंट का एक पतला सा बुक आता है, वो भी मैथ का ही है, उसमें भी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट मिलेगा। और उसका उसको भी हमने बहुत बार पढ़ा, शायद उसको भी हम ऐसा लगता है कि 2 या 3 बार पढ़े होंगे वो लुसेंट का मैथ। और बात कीजिएगा रीजनिंग, रीजनिंग हुआ, साइंस, साइंस तो ताबड़तोड़ पढ़े थे, साइंस पढ़े थे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा याद करते थे। और याद करते करते कभी कभी मन करता था कि
एक के चीज़ कितना पढ़ेंगे, क्या होगा, नहीं होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कि किस में जाएंगे, नहीं जाएंगे, बताइए। 2015 में मैट्रिक पास किए थे, 2015 में मैट्रिक पास, 2017 में इंटर पास, उसके बाद बात कीजिएगा 2020 के लास्ट तक में ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हुआ, तो ऐसा लगता था कि पता नहीं कोई सरकारी नौकरी वाला एग्ज़ाम हमसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एसएससी का एग्ज़ाम देने जाते थे तो बाप रे बाप, क्वेश्चन ऐसा लगता था कि बनेगा ही नहीं। और एग्ज़ाम देने से एक फ़ायदा ये होता था एसएससी का या और भी कोई एग्ज़ाम, हमारे अंदर की कमी पता चलती थी कि हम जो है कितना कम नॉलेज रखे हैं, बाप रे हमको और कितना पढ़ना चाहिए। तो आप सभी को मैं ये भी कहूँगा कि एग्ज़ाम एग्ज़ाम देते रहिए, इससे आपके अंदर की कमियां पता चलेगी। और बात करें कि सबसे जो बेहतरीन चीज़ होता है रिवीजन होता है, सेल्फ स्टडी घर पे कीजिए, घर पे जो कीजिएगा सेल्फ स्टडी, उससे अच्छा कोई चीज़ नहीं। सेल्फ स्टडी की वजह से ही आज लड़कों का सिलेक्शन तरह तरह के विभाग में होता है, जैसे कि मेरा सिलेक्शन रेलवे में हुआ और जीडी का भी एग्ज़ाम पास किया, तो इतना खुशी हुआ, इतना खुश हुए, ऐसा लगा कि सब चीज़ मिल गया। तो वो खुशी एक अलग ही खुशी होती है। तो सभी बच्चे या सभी दोस्तों को यही कहना चाहूँगा और सभी भाई लोग को यही कहना चाहेंगे कि मेहनत दबा के कीजिए और लगातार कीजिए, हार मत मानिए। मेरा एक तो दोस्त है, 30 साल हो गया, 30 साल हो गया, बोला कि और पढ़ने में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देते थे ना, एकदम सब बता देता था। तो वो लड़का जो है मेरे लिए एक मोटिवेशन का कारण था कि चलो, वो इतना पढ़ता था, वो लड़का डेली सेट मारता था, डेली पढ़ाई करता था, एकदम टाइम टू टाइम फिक्स करके, तो वो सबको देखते थे ना, तो अंदर से लगता था कि हम भी कुछ करें, हम भी करें, लेकिन उतना नहीं कर पाते थे, लेकिन प्रयास करते थे, पढ़ते थे, लगातार जारी रखे थे। तो उसका फिलहाल टीसी में सिलेक्शन हुआ है, रेलवे में ही टीसी टीसी के पद पर। और जब हम अपने घर में बताए कि मेरा उस दोस्त का टीसी में सिलेक्शन हो गया है, तो मेरे घर में ही बहुत खुशी खुशी खुश हुआ, मेरा घर के लोग भी, बोला कि वाह, तैयारी कर रहा था, देखो लास्ट में मेहनत करके उसका सिलेक्शन हो गया। उसके माँ बाप को कितना खुशी हुआ होगा कि मेरा बेटा टीसी बन गया। और उसके कुछ दिन के बाद मेरा भी रेलवे में आ गया कि आपका भी सिलेक्शन पॉइंट्समैन के पद पे हो गया है। तो मेरे घर में खुशियों का बात ही अलग है कि बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। इस बहुत बहुत लंबी कहानी में एक यह सीख देखने के लिए मिलता है कि अगर आप धीरे धीरे मेहनत करते रहिएगा, लगातार मेहनत करते रहिएगा, तो आपका सिलेक्शन किसी न किसी चीज़ में होगा, लेट से होगा लेकिन होगा। बताइए कितना कितना साल से वो तैयारी कर रहा था, बताइए, तब उसका सिलेक्शन हुआ। मेरा देखिए 24 साल के एज के लगभग होगा मेरा, शायद 23-24 के आसपास होना चाहिए, मेरा सिलेक्शन हुआ, बताइए। तो अगर आप भी लगातार मेहनत कीजिएगा, थोड़ा सा सिंसियर होइएगा कि नहीं, अपने घर परिवार को बेहतर करना है, सब कुछ बेहतर करके अपने समाज में भी कुछ अच्छा करना है, तो आपको लगातार मेहनत करना चाहिए। और पढ़ाई एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपना ज़िंदगी, लाइफ, फ्यूचर सब कुछ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एजुकेशन होगा तो आप आगे बढ़िएगा। और दूसरा बात है कि जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो भी आजकल बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे तो अगर गवर्नमेंट जॉब होगा तो कितना बेहतर होगा, वो लोग भी पढ़ा रहे हैं। और बाकी बिजनेस भी एक अच्छा चीज़ है, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं वो, उनके लिए एजुकेशन सबसे बेस्ट चीज़ है। एजुकेशन के माध्यम से वो अपने पूरे फ्यूचर को चेंज कर सकता है। और
मैं अपने लाइफ में बात करूं कि सबसे अहम रोल मेरे घर वालों का रहा, जिनकी वजह से मुझे सफलता मिलने में थोड़ी आसानी हुई। सबसे बड़े भाई मेरे, उन्होंने जब मेरे घर में पढ़ने के लिए बाहर भेजने की जब बात आई, जब मैट्रिक पास कर गया गांव से, कि उसके बाद सोचा कि बाहर जाके पढ़ना है, तो बाहर पढ़ने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत होगी। कहीं भी पढ़िएगा आप बाहर, तो आप बिना पैसों का आप वहाँ पर रह नहीं सकते हैं। रूम रेंट है, खाना पीना है, बहुत तरह की बातें हैं, आपको पैसे लगेंगे। तो बड़े भाई जो हुए, उन्होंने भरपूर सहयोग किया, लास्ट तक सहयोग किया, इतना सहयोग किया कि कभी कमी नहीं होने दिया कभी। तो पैसों का तो हमें कभी टेंशन नहीं हुआ, लगातार मिलता रहा। कभी दिक्कत हुआ तो घर घर में पिताजी दे दिए, या इधर उधर से बहुत जो लोग हो सक जिससे हो सका कुछ, उन्होंने भी कुछ मदद किया या देते रहे। तो सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि आपके सक्सेस में आपके पूरे परिवार का हाथ होता है। अगर आपका परिवार साथ नहीं देगा तो आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। आपका परिवार आपका साथ तभी देगा जब आप लगातार मेहनत करते रहिएगा, आपके अंदर देखेगा कि पढ़ाई का जज्बा है, और तब आपके ऊपर खर्च करेगा। तो सबसे अच्छा बात यह है कि आपके अंदर मेहनत होना चाहिए, मेहनत करने की लगन होनी चाहिए। अगर आप मेहनत करते हैं तो गार्जियंस भी देखते हैं कि नहीं, बच्चे में लगन है, उनको आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ेगा तभी घर का आर्थिक स्थिति सुधरेगा। हमको याद है जब मेरे पिताजी खेती करते थे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। हल से जुताई खेत का करते थे, और दिन और धूप में वर्षा में इतना मेहनत करते थे, तो हमको देख के लगता था। और बगल में जो, अगर आप देखिएगा कि जिनके बच्चे पढ़ते हैं बाहर में, तो ऐसा लगता था कि मेरे पिताजी तो खेती करते हैं, ये करते हैं, कैसे पढ़ पाएंगे। तो इस बीच में मेरा भाई ने बहुत सहयोग किया, जिनकी वजह से मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई। और मेरे मेरे बड़े भाई ने पढ़ाई उतनी नहीं की, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। और सबका होता है कि पढ़े हम और आगे बढ़े और बेहतर करें, लेकिन वैसा स्थिति नहीं होने की वजह से उन्होंने अपना दूसरा फील्ड चुना। और वो जिस भी फील्ड में है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, और मेहनत की वजह से ही उन्होंने पूरे घर को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान जिस भी फील्ड में जाता है और उस लेवल से मेहनत करेगा, जिस भी फील्ड में हो, और 100% अपना मेहनत करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, तो उनको सफलता उस फील्ड में मिलेगी। जैसे यह ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन के फील्ड में ही, आप प्राइवेट सेक्टर में भी ईमानदारी से काम करते हैं और काम करने के बाद सबको अच्छे अच्छे से स्वभाव के साथ बातचीत करते हैं, तो आपका अच्छा छवि बनता है और आप सक्सेस कीजिएगा उस फील्ड में। तो कंपटीशन एग्ज़ाम के क्षेत्र में बात करें कि सबसे बेस्ट जो होता है कि आपके अंदर जो है ना, पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। धैर्य अगर रहेगा तो आप शांति से आगे पढ़ते रहिएगा। आपको इस बात का ज़रा भी फिक्र नहीं करना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आगे क्या होगा नहीं होगा, ये तो आपको ज़रा भी नहीं सोचना चाहिए। और सबसे अच्छी बात कि आपको पढ़ाई इतना जोर जोर शोर से करना चाहिए कि आपको ऐसा लगे कि नहीं, हमको इस फील्ड में कुछ करना है। तो सबसे बुरी बात यह है कि आपको घर से पढ़ने के लिए भेजा जाता है, कि अगर बाहर अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो यह बहुत बड़ी गलत बात है। तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहिएगा तो ही, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ते रहिएगा तो आपको सक्सेस मिलेगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप 12 घंटा पढ़िए, 18 घंटा पढ़िए। कोई कोई बोलेगा कि
जब तक 12 घंटा नहीं पढ़ेगा तो बहुत दिक्कत है। आप 8 घंटा भी पढ़ सकते हैं, 6 घंटा भी पढ़ सकते हैं, किसी दिन 10 घंटा पढ़ लीजिए, किसी दिन 2 घंटा पढ़िए, कोई दिन नहीं हो पढ़िए, लेकिन पढ़ाई जारी रखिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगा।